नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक स्टडी विद एसके में। यह न्यूज है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में धांधली जो जिस प्रकार से हुई थी उस बारे में जानकारी है। क्या है पूरी न्यूज, आइए देखते हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में धांधली की सीबीआई जांच की पीआईएल खायर, मतलब कि जो याचिका इन लोगों ने दायर की थी कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच हो, वह जो याचिका है वह खारिज कर दी गई है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरी खबर। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धांधली की सीबीआई से जांच कराए जाने के आग्रह वाली जनहित याचिका संबंध विवरण के अभाव में याचिका खारिज कर दी गई है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुण सिंह पवार की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनाया। याची ने भर्ती परीक्षा में कथित शिक्षा माफिया गैंग, छंद परीक्षार्थी, सॉल्वर गैंग समेत पर्दे के पीछे से भ्रष्टाचार का खेल खेलने वाले सरकारी कर्मियों की भूमिका उजागर करने के लिए सीबीआई से इसकी जांच कराने के निर्देश सरकार को दिए जाने की गुजारिश की थी। याची का आरोप था कि शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर वसूली व घोटाले को अंजाम दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए महाधिवक्ता राघवंत सिंह ने दलील दी कि यह घटना प्रयागराज में हुई और वहीं एसटीएफ से संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया। ऐसे में याची इसे लेकर प्रयागराज में एसटीएफ को अर्जी दे सकता था। मामले की तफ्तीश चल रही और कई लोग गिरफ्तार हुए, लिहाजा यह याचिका प्री मैच्योर है, यह सुनवाई किए जाने लायक नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है। इस पर कोर्ट ने याचिका को ग्रहण करने से इनकार करते हुए याची को इसे वापस लेने और बेहतर प्रयोग के साथ नई याचिका दाखिल करने की छूट भी दी है। तो इस तरह से थी यह न्यूज़। 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि सीबीआई जांच की, इसमें जो याचिका थी वह याचिका खारिज कर दी गई है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप लोग बने रहें हमारे साथ क्विक स्टडी विद एसके परिवार के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, अपने साथियों के साथ यह वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी इस न्यूज़ का पता लग सके। तब तक के लिए नमस्कार, अगली न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद साथी।